मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्रिय बच्चों, हिंदी व्याकरण सीरीज 0 to 100% में आज हमारा सफ़र पहुंच गया है 22वें भाग पर। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले के वीडियोज भी आप देखें। मैंने हिंदी व्याकरण की शुरुआत स्वर, व्यंजन, अक्षर इन सब से की हुई है, एक एक चीज़ आपको पढ़ाया है। प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये क्रिया विशेषण जो होता है ये एक अव्यय होता है, ठीक है। और अव्यय क्या है, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे हम अव्यय का उपयोग करते हैं, अव्यय को क्या बोला जाता है, ठीक। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल फिर से समझा देती हूँ, अव्यय वो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं, ठीक है। वो किसी के आधार पर, ना ही वो लिंग के आधार पर बदलेंगे, ना ही समय के आधार पर बदलेंगे, किसी के आधार पर वो बदलते ही नहीं हैं, ठीक है। अव्यय वो शब्द होते हैं। अब एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी चीज़ आ जाती है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हिंदी में व्याकरण जो है, ये व्याकरण के अंदर क्रिया विशेषण अव्यय का एक भाग है, ठीक है। जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या है ये भी मैंने आपको समझाया है। अब मुख्य रूप से क्रिया विशेषण जो है तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हम उसको पहले मानते हैं, रूप के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब इनका अलग अलग उपयोग है। अब रूप के आधार पर इतने प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर इतने प्रकार हैं, और अर्थ के आधार पर मैं आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर आता है साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है। साधारण क्रिया विशेषण, और साधारण क्रिया विशेषण ये सिर्फ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इस साधारण क्रिया विशेषण किसको कहते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। साधारण क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। वाक्य में स्वतंत्र होता है, वो किसी से बधे नहीं होते। जैसे मैंने कहा, अरे यह सांप कहाँ गया, ये अरे जो ये है ये क्रिया विशेषण है यहाँ पर, अरे यह सांप कहाँ गया, ठीक है। कहाँ जाना उसकी क्रिया हो गई। अब मैंने कहा कि अरे यह सांप कहाँ गया। अब प्रयोग के आधार पर दूसरा क्रिया विशेषण आता है हमारा संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों वो होता है विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य में रहता है, ठीक है। विशेषणों का संबंध जो है किसी मतलब एक जिसको हम क्लॉज कहते हैं इंग्लिश में। अगर कोई बच्चे हाई स्कूल वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अगर आपको क्लॉज पढ़ने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लॉज समझा दूंगी आपको। तो हिंदी में जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है, वो उपवाक्य दूसरे से जुड़ा रहता है संयोजक क्रिया विशेषण में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जहाँ अभी हिमालय है, हमें साइंस में पढ़ाया जाता है ना, जहाँ अभी हिमालय है कौमा वहाँ किसी ज़माने में सागर था, यानी जहाँ अभी हिमालय है ये अपूर्ण है। अगर हम इसी को बोलते हैं कि जहाँ अभी हिमालय है, कहाँ हिमालय है उसको हमने आगे जोड़ना पड़ेगा, वहाँ किसी ज़माने में सागर था। फिर अगर हम इसी इसको बोलते हैं वहाँ किसी ज़माने में सागर था, तो ये भी अपूर्ण है। ये इसकी पूर्णता किससे है, इससे है, इसी इसकी पूर्णता इससे है। आई प्यारे बच्चों बात समझ में। अब जो है आगे लिए चलती हूँ मैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जैसे अब आता है जो तीसरा नंबर है वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों वह होता है जो किसी भी शब्द भेद के साथ होता है, वो ठीक है, उसको अनुबद्ध किया जाता है दूसरे से। उस क्रिया विशेषण मतलब कोई अवधारणा ऐसी होती है जो जिसको हम किसी दूसरे के साथ संबद्ध करते हैं, किसी दूसरे का उसमें ज़रूर उपयोग होता है। जैसे उदाहरण, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ,
किसी के बारे में बात चल रही है, यानी हमारा अनुबंधन किससे है, दूसरे व्यक्ति से है कि मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और जल्दी भी समझाऊंगी। अब दूसरा वाला क्रिया विशेषण होता है रूप के आधार पर। अगर हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले आता है मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, अब मूल क्रिया विशेषण ये क्या होता है इसको मैं आपको समझाती हूँ कि मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत दूसरे शब्द से किसी चीज़ का मेल ही नहीं होता है। आई बच्चों बात समझ में? दूसरे शब्द से किसी का मेल ही नहीं होता है और यह ना तो बदले जा सकते हैं जैसे मूल रूप में होते हैं। जैसे हम कहते हैं उसने बहुत गलत किया, उसने राम ने श्याम के साथ बहुत गलत किया। आप हम कहते हैं कि आप स्विच के इतने पास मत बैठें। ठीक है, हम कहते हैं दूर जाइए यहाँ से। ये क्या है? मूल क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब जो है हम दूसरे में आते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। अब ये तो मूल हो गए, अब यौगिक क्रिया विशेषण में हम क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं। हर हमेशा जिसमें भी प्रत्यय जुड़ेगा वो यौगिक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हम कहते हैं मन से, यह काम आप मन से करें, धीरे से चलें। ठीक है, अब स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है जब हम किसी भी चीज़ को, वो उस स्थान से रिलेटेड होती है। आई बात समझ में? अगर हम किसी शब्द में बिना उसमें बदलाव किए ही उपयोग करते हैं, और दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं कि अगर हम उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो शब्द भेद बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं, यानी हम उसमें रूपांतरण तो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? हम इसमें किसी प्रकार के रूपांतरण तो नहीं करेंगे लेकिन वो हमको क्रिया विशेषण जैसा लगेगा। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, राक्षस मुझे क्या खाएंगे, हमने इतना पुकारा आपने सुना ही नहीं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं लेकिन अगला व्यक्ति सुनता ही नहीं है तो इसको बोलते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, इसको मैं और डिक्लियर करती हूँ आपको। अगर हम देखें स्थानीय क्रिया विशेषण में, सबसे पहले तो किसी शब्द में बिना रूपांतरण किए ही हम उसका उपयोग करते हैं और निश्चित स्थान पर करते हैं, इसलिए इसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसको निश्चित स्थान पर करते हैं और बिना किसी परिवर्तन के करते हैं, उसको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। और जैसे राक्षस मुझे क्या खाएंगे, ये क्या जो है इसमें रूपांतरण तो किया नहीं लेकिन ये हमने इस स्थान पर उपयोग किया है कि हमें ये कैसा लगा क्रिया विशेषण, हमने इतना पुकारा, मतलब पुकारने की जो है, पुकारना हमारा काम है लेकिन हमने इतना पुकारा, मतलब ज़्यादा पुकारा किसी को, इसलिए ये निश्चित स्थान पर उपयोग हुए हैं और बिना परिवर्तन हुए ही, इसलिए ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले मैं रीतिवाचक समझा देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ऐसे थोड़ी चलेगा काम, ठीक है, वैसे तो आपका यहाँ आना उचित है, ठीक है, बेशक आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिमाण से ही समझ जाइए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक होता है, जैसे बहुत अति, ये तो अति हो गई कहते हैं, ठीक है, आप बहुत जिद कर रहे हैं। न्यून बोधक, कम, कुछ, लगभग, थोड़ा, न्यून, इसके इससे समझ जाइए आप, ठीक है, अधिकता है तो अधिकता बोधक, न्यूनता है तो न्यूनता बोधक, और पर्याप्त बोधक, केवल, मुझे पर्याप्त, जिसमें पर्याप्तता का बोध होता है, ठीक है, जैसे बस हो गया बोलते हैं, बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा, केवल एक पेन चाहिए मुझे, ठीक है। तुलनात्मक, आपसे अधिक तो
छोटा बच्चा जानता है, जैसे हम कहते हैं आपसे अधिक तो छोटा बच्चा, यानी हमने तुलना कर दी। अब श्रेणीवाचक में थोड़ा थोड़ा, एक एक, आप लोग बारी बारी से आइए, थोड़ा थोड़ा करके लर्न कीजिए, जल्दी लर्न हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने क्या उपयोग किया, परिमाणवाचक विशेषण में श्रेणीवाचक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर कहीं पर मेरे टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, ताकि पता चल सके कि किसी भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए हैं तो आप भेज सकते हैं उसको। और स्वस्थ रहिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।